नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको डिवाइस के बारे में बता रहा हूं। इससे पहले आप वीडियो में ऐड, सब और मल्टीप्लाई के बारे में देखा होगा। इससे पहले आप मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइबर और शेयर अवश्य करें। चलते हैं, डिवाइस डाटा किस प्रकार से काम करते हैं। एक इनपुट ले लीजिए आप X1, और आप मुक करा दिए एक वैल्यू MOV K4 और D1 ले लीजिए। और एक और इनपुट ले लीजिए आप इसी प्रकार MOV D। वैल्यू आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं या आप कितनी किस प्रकार से वैल्यू वो ले लीजिए इसमें, और D2 ले लीजिए। इस प्रकार से आप ये दो बिट ले लेंगे डाटा रजिस्टर की, D1 और D2। K4 और K16 हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू है ये। और एक इंटरनली मेमोरी ले लीजिए ऑलवेज ऑन की। अब आप इसको डिवाइस कीजिए DIV, लिखिए D2 D1 और ये वैल्यू D3 में जानी चाहिए। इस प्रकार से हमारी ये डिवाइस वैल्यू है, ये दोनों की वैल्यू हमारी यहाँ चली जाएगी। देखना दोस्तों आप किस प्रकार से, मैं आपको ये ऑनलाइन करके दिखा रहा हूँ। ये एक ट्रायल वर्जन है और आपको ये बेसिक बताया जा रहा है किस प्रकार से ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइस और सब किए जाते हैं। ये हमारे प्रोग्राम स्कैन हो रहा है। इस प्रकार से आप दोनों बिट हाई कर लीजिए और दोनों बिट हाई हो जाएंगी तो ये हमारी वैल्यू देखो, ये यहाँ पे आ गई और ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। और ये ऑलवेज जो हमारी ऑन है तो डिवाइस होके हमारी वैल्यू D3 में ये आ गई है। इस प्रकार से प्रोग्राम आप बना सकते हैं। आप पहले एक इनपुट का हाई कर दीजिए, ये हमारी K4 वैल्यू D1 में आ गई है। और दूसरी इनपुट को आप हाई करोगे तो हमारी ये वैल्यू मूव हो गई है इसमें। और ये डिवाइस है, इन दोनों की वैल्यू को आप और ये यहाँ कर दिए गए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊंगा। इससे पहले आप मेरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।